आप सोच भी नहीं सकते कि कितना मज़े का है, बिकॉज़ ये मेरी ऑलरेडी मतलब बनाई हुई रेसिपी है और बहुत कमाल की बनती है। और चलें आप ट्राई करिएगा, फिर मुझे बताइएगा। इसको अंडों को मैंने अच्छी तरह से बना लिया, ठीक है। अब इसको ऐड कर देते हैं ये ब्रेड क्रम्स के अंदर। अच्छा जी, अंडों को जो है वो अच्छी तरह हम मिक्स कर लें ब्रेड क्रम्स के अंदर, और साथ में अच्छा ये थोड़ा गाढ़ा हो गया, मतलब इसको थोड़ा सा ना पेस्ट बनाना है, और ये मुझसे ज़्यादा ही कोई गाढ़ा हो गया, तो इसमें हम पानी ऐड कर लेते हैं। पानी ऐड करने के बाद जो है ना वो आप देख लें। अच्छा जी, अब मुझसे पानी ज़्यादा हो गया, तो इसमें हम मैं जो है ना वो मज़ीद दो अंडे ऐड किए हैं, इसलिए कि जो है वो मेरा पेस्ट अच्छे से जो है ना वो रेडी हो जाए। ये रेडी होता है ना तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें आपके सामने है वो, मतलब ठीक से जो है ना नज़र आ रहा है। अब पेस्ट मतलब पेस्ट इतना रखना है कि वो जो है वो गोश्त का पेस्ट जो है ना उसके ऊपर अच्छे से ठहर जाए, ठीक है। उसको ज़्यादा पतला भी नहीं करना और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना। ये देखें इतना गाढ़ा रखना है, ठीक है। अच्छा जी, प्रेशर में से जो है ना वो मैंने गोश्त निकाल लिया है, ठीक है, और साथ में कढ़ाई में जो है वो ऑयल भी गर्म कर लिया है। अब इसमें हम एक एक पीस करके हम इसमें डालेंगे। ऐसे ही नहीं डालना, मतलब कि वो जो ब्रेड क्रम्स रेडी किया है ये जो है इसके अंदर मिक्स करके ना ऐसे, तो ऐसे हमने एक एक पीस को रखना है, ठीक है, और आराम से रखना है क्योंकि तेल जो है वो गर्म होगा तो वो मतलब कि ये जो है ना इसकी छींटे पड़ती हैं, और वो आपने ना ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है, एहतियात भी करनी चाहिए। चलें जी, अभी मैं आपको फाइनल लुक दिखा देता हूँ। ये थी जी मेरी 5 मिनट की ईजीएस्ट एवर रेसिपी, एंड हियर इज माय रेसिपी इज रेडी। एंजॉय योरसेल्फ गाइस।